आप देख रहे हैं एलएन न्यूज। कागज दिए देखे आप लोग, क्या था बोलता हूं मैं आपको, सुनो सुनो, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 बीएनएसएस की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए, हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस, दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन, और हम इनके भाईजान हैं, ससुरे भी उन्होंने हैं, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा यहां इसमें क्या लिखे, इसमें लिखे अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को, उन्होंने लिखे प्लीज टेक केयर नॉट टू डू एनी एक्ट कमेंट और स्टेटमेंट दैट मे हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर रिलीजियस पीपल एंड पर्संस एंड ऑल्सो डू नॉट वायोलेट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेड इन कनेक्शन विद द जनरल असेंबली इलेक्शन 2024। इट शुड बी नोटेड दैट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम विल नॉट अराइज ड्यू टू एनी माइनर रीजन एंड पीस शुड बी मेंटेन इन एडिशन टू दिस। बी की जगह बी ई आना, आप बी आर ई लिख लिए, खैर मेरे को। इट शुड बी नोटेड दैट लीगल, लीगल की स्पेलिंग भी गलत है, एल ई जी ए एल, आप एल ई ए जी एल लिख दिए, आई एम ओनली करेक्टिंग यू। लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट यू इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेलिंग लॉ, इफ पब्लिक पीस इज डिस्टर्ब एंड लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में एम खा गए आप, प्रोबले प्रोबले हो गया, यह एम आना, प्रॉब्लम arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious, religious mein jee kha gaya and individuals by ignoring the instruction given by the police. The said notice is given under my true seal. To main kya kiya, haan ne dule bhai kuch aati, kisko bhi nahi aati, wo खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया, सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है, हाँ 15 मिनट है अभी, वेरी सॉरी, 9:45, देखो 9:45, अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना, यू आर हैप्पी सेटिस्फाइड माशाल्लाह। अभी मैंने लिखा रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं, अपोज द कंटेंट्स। हाँ बैठो बैठो बैठो, हाँ हाँ, अरे बैठो जी, बैठो बैठो, भाईजान बोल रहे बैठो। अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे, हम उसको अपोज करते। इश्यूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर to issue notice during the period of model code of conduct, the permission of concerned returning officer of Solapur Central should have been taken. To mere ko ye samajh mein nahi aaya ki hazrat e police damad ko lighter van mein dil pe na kholo, koi bhi gurde pe leke returning officer permission diye nahi malum, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस,
रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता, खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अब आप सुनो यहां पर हम क्या लिखे, हम ये अंग्रेजी में पढ़ रहे फिर तर्जुमा करते। आई हैव एड्रेस मोर देन 15 इलेक्शन मीटिंग्स इस जनरल इलेक्शन में एंड अबाइडेड बाय द एमसीसी। माने मैंने इस इलेक्शन में 15 इलेक्शन इंतखाबी जलसों से खिताब किया और एमसीसी को अबाइड किया। फिर मैंने लिखा इट इज सरप्राइजिंग दैट द नोटिस हैज नॉट बीन इशूड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए ये क्या है, जा मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इस कहत लेकर आए हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। ये कई को करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीजा। अच्छा बाप मेरे को बोलो, वो एक छोटा बच्चा है, नहीं मेरे स्टैंडर्ड से बोल रहा हूं, मेरी गलती नहीं, मैं लंबा हूं तो हमारे अब्बा की गलती है। तो उन्होंने बोल रहे मैं मस्जिद में घुस के मारता हूं। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये 168B एंड SSS की नोटिस उसको नहीं दिए, नहीं दिए ना, नहीं दिए उसको, दिए इस नहीं, उन्हें बोले जा रहा, जो बके जा रहा बके जा रहा। अच्छा क्या करे, खाली FIR कर लिए। अरे उसको लेके भिजाते दुबई को अंदर, अरे दुबई से मुराद जेल को भिजाते नहीं। अब वो डिप्टी CM फडणवीस बोले, क्या बोले, ओ जिहाद धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध है इलेक्शन, ये ओट जिहाद है इलेक्शन। बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो बाबा साहिब ने संविधान कब बनाया, जिस जमाने में दलित लोग अगर जमीन पर चलते थे तो उनके कमर के सामने झाड़ू होती थी और गले में एक वो होता था घड़े के जैसा कि अगर थूकना भी है तो उसमें थूको और जिस जमीन पर तुम चलते हो उसको झाड़ू दो, क्योंकि तुम्हारे पैर इस काबिल नहीं है कि तुम जमीन पर चलो। तो बाबा साहिब ने कहा कि कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ओवैसी फडणवीस दलित सब बराबर होंगे। और बाबा साहिब ने संविधान में, बाबा साहिब ने संविधान में हम सबको इंसान कहा, All human beings are equal in the eye of the law. और बाबा साहिब ने क्या लिखा संविधान में, लिबर्टी आजादी, जस्टिस इंसाफ, फ्रेटर्निटी भाईचारगी, इसको हमको हासिल करना है। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम दे रहा हूं आज सोलापुर से कि आओ बाबा साहेब अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करेंगे, लिबर्टी जस्टिस इक्वालिटी फ्रेटर्निटी को हासिल करेंगे। आपकी तकलीफ असदुद्दीन ओवैसी की तकलीफ है, आपके इंसाफ की लड़ाई हमारे इंसाफ की लड़ाई होगी। इस सोलापुर सेंट्रल में हमको लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी और जस्टिस को हासिल करना है। जो ख्वाब बाबा साहिब ने देखा था उस ख्वाब को हमको देखना है। मैं हमारे दलित भाइयों को याद दिलाना चाह रहा हूं, जब किसी ने जाकर बाबा साहिब से कहा था, बाबा साहिब हिंदुस्तान की भारत की लोकसभा में भी इतने दलित MP जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलितों की एक आजाद लीडरशिप की बात करते हैं, तो बाबा साहिब अंबेडकर को सलाम। उन्होंने कहा था कि हां रिजर्वेशन की बुनियाद पर जीत कर तो जाते हैं मगर अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। मैं दलित भाइयों को याद दिला रहा हूं, कांशीराम ने ही कहा था
चमचों से बच के रहो, चमचों से बच के रहो। मैं तुमसे भी कह रहा हूं चमचों से बच के रहो। ये चमचे हमारे मफादात की हिफाजत नहीं करते, बल्कि अपने जाती मफादात को लेकर अपने सियासी आखाओं के कदमों में सर झुका देती है। मैं तुमसे कह रहा हूं सर मत झुकाओ, सीना तान कर शोलापुर के विकास के लिए लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, शोलापुर के विकास के लिए हम लड़ेंगे। तो मैं आप देख रहे हैं औरंगाबाद एल एन न्यूज। लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे।